anemia. Anemia, basically there is loss of blood in the body, and the anemia can be of different types. Yes or no? Anemia can be of different types. इसमें anemia में आपके पास या anemia भी बोल सकते हैं. एक होता है आपके पास macrocytic. नाम तो सुना होगा आप लोगों ने. Macrocytic anemia. Yes or no? Yes sir. This anemia या anemia बोल सकते हैं. This is basically due to the deficiency of vitamin B. Due to deficiency of vitamin B12. ध्यान रहे विटामिन बी, एक तो विटामिन बी है लेकिन इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है. तो विटामिन B12. यस और नो? और इसके डेफिशिएंसी जो मैक्रोसाइट्स बनते हैं और ये डिस्ट्रॉय कहाँ होती है, डिस्ट्रक्शन कहाँ होगी, स्प्लीन से. और इसीलिए दैट्स व्हाई वी कॉल स्प्लीन एज अ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, वेयर देयर इज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ अनहेल्दी या फिर व्हाट आई कैन से कि डिफरेंट या फिर एबनॉर्मल आरबीसीज आर डिस्ट्रॉयड, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. यस और नो? नेक्स्ट इज माइक्रोसाइटिक एनेमिया. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस यस सर. एक तो मैक्रो था, एक था माइक्रो. क्लियर है? बेसिकली ये आयरन की डेफिशिएंसी होती है ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी. तो आयरन की डेफिशिएंसी से माइक्रोसाइट्स का फॉर्मेशन होगा. तीसरा आपके पास होता है नॉर्मोसाइटिक एनीमिया. अरे बात समझ में आ रही है? इस ये वो ऐसा कंडीशन है जहां पर बॉडी से एक्सेस ब्लड का लॉस होगा. इफ देयर इज एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड देन दैट कंडीशन इज नोन एज नॉर्मोसाइटिक एनीमिया. यस और नो? एक्सेस ब्लड लॉस. आगे बढ़ो क्या? नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी. फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी. हाँ, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ डिस्कस किया था कि आरबीसी का फॉर्मेशन तो होता है. तो देखो आपके लाइफ साइकिल में जब से आपका फॉर्मेशन शुरू होता है, और हमारी फॉर्मेशन कहाँ शुरू होती है, गैमेट से लेकर शुरू होती है ना. पहले गैमेट बनते हैं, फिर उसका फ्यूजन होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होता है. ये हम लोग क्लास 12 मीडियम से पढ़ेंगे. तो ये जब जब जायगोट बनता है, एक्चुअल ब्लड का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो जब बनना शुरू होता है, जैसे बॉडी को ब्लड की जरूरत पड़ती है, यस और नो, तो उसी टाइम से आरबीसी का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है. तो आरबीसी कहाँ का बनेगा, तो डिपेंड करता है टाइम पे. क्या हम फीटल स्टेज की बात कर रहे हैं या फिर हम यंग स्टेज या एडल्ट स्टेज की बात कर रहे हैं, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात तो नहीं कर रहे हैं, या फिर आफ्टर डिलीवरी की बात तो नहीं कर रहे हैं. तो मतलब मैंने क्या बोला कि यॉर्क सैक होता है, एक अपने नाम सुना होगा यॉर्क सैक. तो यॉर्क सैक में भी आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, प्लेसेंटा में भी आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, लीवर में भी आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, हाँ कि ना. थाइमस ग्लैंड में भी आरबीसी का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज. बट जैसे जैसे बड़ा बच्चा होने लगता है, तो फिर जो लॉन्ग बोन मैरो होता है, जो लॉन्ग बोन होते हैं उनके रेड बोन मैरो में, इन सब सारे के सारे कार्पसल्स का फॉर्मेशन हुआ करती है. क्या मेरी बात समझ में आई? इसे पहला पॉइंट लिखेगा. अच्छा, आरबीसी के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, बताना. प्रोसेस ऑफ, या फिर इसको डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एरिथ्रोपोएसिस. एरिथ्रो कहां से है? एरिथ्रोसाइट, जिसको हम लोग आरबीसी का दूसरा नाम है. डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है? लिकोसाइट. और प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट. चलो कोई आगे आएगा.
तो एरिथ्रोसाइट्स के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे एरिथ्रोपोएसिस। हाँ जी, गौर करके देखा मत करो, सिर्फ बोला भी करो। मैंने क्या बोला? एरिथ्रोपोएसिस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस एरिथ्रोपोएसिस। अच्छा, एरिथ्रोपोएसिस कहां पर होगा? एरिथ्रोपोएटिक ऑर्गेन में। जिस ऑर्गेन में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है उस ऑर्गेन को हम लोग क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोएटिक ऑर्गेन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अरे हाँ जी, हाँ सर, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना, इन विच आरबीसी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, इन विच आरबीसी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अरे हाँ, बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, एरिथ्रोपोएटिक ऑर्गेन तो होगा, जो ऑर्गेन जिसमें आरबीसी का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोएटिक ऑर्गेन बोलते हैं। हाँ जी, बात समझ में आ रही है? जो हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। क्या बोला मैंने? द हार्मोन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्यों मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एक केमिकल का मैंने नाम लिया था एरिथ्रोपोएटिक। अगर आप पिछले क्लास के लेक्चर, पिछले लेक्चर्स के कुछ पॉइंट्स को याद रखेंगे तो एक बात आपको याद आ जाएगा कि मैंने बोला था कि आपको किडनी होती है। क्या होती है? किडनी होती है, वहां से केमिकल रिलीज करता है जो कि क्या करवाता है? एरिथ्रोपोएसिस करवाता है। मतलब एरिथ्रोपोएटिन एक हार्मोन होती है जिनकी वजह से इनका फॉर्मेशन होता है। मेरी बात समझ में आई? तो हार्मोन जो रिस्पॉन्सिबल होगी उसका नाम क्या है? एरिथ्रोपोएटिन। क्या इतने याद रख पाओगे? एरिथ्रोपोएटिन ये क्या है? हार्मोन है। काहे के लिए? आरबीसी का फॉर्मेशन के लिए। अरे बात समझ में आ रही है? यस सर, आगे बढ़ो। यस अच्छा, ये जो आरबीसी का फॉर्मेशन होगा ये कौन कराएगा? आगे बढ़ो क्या मैं? इट इज द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स आरबीसी फॉर्मेशन, दैट स्टिमुलेट्स एरिथ्रोपोएसिस, दैट ऑकर्ड इन एरिथ्रोपोएटिक ऑर्गेन। और एरिथ्रोपोएटिक ऑर्गेन अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करता है किस स्टेज की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ो क्या मैं? हाँ सर, इसमें लिखेगा क्या? मुझे ये लिखाना पड़ेगा कि दिस इज द हार्मोन दैट इज दैट स्टिमुलेट्स एरिथ्रोपोएसिस। यस और नो? एंड नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, एंड दिस हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड बाय किडनी एंड अ लिटिल अमाउंट बाय लीवर। तो आपसे अगर हम सवाल पूछा जाए कि एरिथ्रोपोएसिस के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होती है, एरिथ्रोपोएसिस के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होती है दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय विच पार्ट ऑफ विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी? यस, किडनी एंड लिवर, किडनी एंड लिवर, मेनली किडनी एंड अ लिटिल अमाउंट बाय लीवर। इज इट लिवर, क्लियर टू एवरीवन? यस सर, कभी आपसे सवाल पूछा जाए, इफ समवन आस्क यू क्वेश्चन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो क्या बताओगे? सर हमें नहीं मालूम। सर हमें नहीं मालूम, क्या यही आंसर दोगे? अरे बोलो। फर्स्ट आरबीसी प्रोड्यूस बाय यॉर्क सैक। यॉर्क सैक के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे 12th में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। वैसे क्या है? ये फर्टिलाइज एग का पार्ट है। अरे हाँ जी, फर्स्ट आरबीसी प्रोड्यूस बाय यॉर्क सैक। क्लियर है? इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक स्टेज, ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक स्टेज मतलब जब बच्चा फीटल स्टेज में होता है, जब यूटेरस के अंदर होता है, तब आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होगा बताइए। कोई मुझे एक्सप्लेन बोल सकता है इसके बारे में क्या, जिसके सर हमें मालूम है बताइए।
ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ कहाँ होता है? लीवर, स्प्लीन, प्लेसेंटा। ध्यान रहे स्प्लीन को हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज में फॉर्मेशन तो होता है प्लेसेंटा। इन नेक्स्ट वी हैव थाइमस ग्लैंड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अरे हाँ जी, समझ में आ रहा है क्या? तो इन सब ग्लैंड में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। कब? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। इज इट क्लियर? एक और बात है, जितना आपके पास आरबीसी है, द टोटल अमाउंट ऑफ आरबीसी दैट यू हैव, आउट ऑफ दैट 1% आरबीसी डेली डिस्ट्रॉय होती है। एक सवाल पूछ सकते हो कि सर जो डेली डिस्ट्रॉय होती है इसका मतलब डे बाय डे अपनी ब्लड कम होती जाएगी? नहीं बेटा, इसको भरपाई करने के लिए उतना ही जितना आरबीसी डिस्ट्रॉय होता है, जितना डिस्ट्रक्शन होता है उतना ही बनते भी है, और जितना बन जाएगा तो फिर वो भरपाई हो जाएगा। मतलब नहीं अपने पास लॉस होगा, नहीं तो वो, क्योंकि देख अरे हर आरबीसी का कभी ना कभी 120 दिन तो पूरा होगा ना। मैंने कहा था कि आरबीसी का लाइफ 120 डेज होता है ऑन एन एवरेज, तो फिर डिस्ट्रॉय का नया बनते रहेगा। जैसे वैसे सिमिलरली स्पर्म भी होते हैं, स्पर्म भी बनते हैं, डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। अगर यूज हो गया तो ठीक है, यूज तो होना चाहिए, एक ही एट ए टाइम एक ही इस्तेमाल होता है। अरे हाँ जी, एट ए टाइम ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एक ही स्पर्म का इस्तेमाल होता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मतलब वो कंटिन्यूसली बनते रहते हैं, टिल डेथ तक बनती रहेगी। डिस्ट्रक्शन होता रहेगा, बनता रहेगा, डिस्ट्रक्शन होता रहेगा, बनता रहेगा। हाँ जी, उसका भी एक बनने का टाइम है। अब मैंने क्या बोला था, कितने दिन का होता है? 74 हाँ जी, 74 ये तो नो। इसमें नेक्स्ट लिखेगा, इन एडल्ट स्टेज आरबीसी प्रोड्यूस बाई आरबीएम का फुल फॉर्म किसी को याद है क्या? रेड बोन मैरो। इसका मतलब YBM भी होगा? अरे हाँ जी, YBM मतलब येलो बोन मैरो। हाँ जी, मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? तो एडल्ट स्टेज में आरबीसी का फॉर्मेशन बाय रेड बोन मैरो होगा। मतलब कि जितने भी आपके पास कार्पसल्स हैं, जितने भी आपके पास कार्पसल्स हैं, जैसे कि क्या है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? कार्पसल्स मतलब सेल्स, कार्पसल्स मतलब सेल्स के अंदर आते हैं। तो ये सारे के सारे कौन बनाएगा? आरबीसी को, इन सब सेल्स को आरबीएम बनाएगा, मतलब रेड बोन मैरो बनाएगा। कोई दिक्कत है क्या? अरे बात समझ में आ रही क्या? यस सर। अच्छा, जब आप लोग बोन के अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे, जब आप बोन के अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे, जो फिल्ड स्पेस होती है, इनको हम लोग बोलते हैं ट्रेबेक्यूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेबेक्यूला, जो कि हम लोग उसको क्या बोलते हैं, जो जितने भी आपके पास स्पॉन्जी बोन होते हैं, मतलब अंदर जो कुछ क्या बोलते हैं उसको, बल्ज एरिया जो फूला हुआ था, जो बड़ा सा चौड़ा सा जो लॉन्ग बोन होता है, उसके अंदर जो स्पेस होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पॉन्जी बोन बोलते हैं। हाँ कि ना, ये अंदर बोन्स के अंदर की बात है, बात समझ में आ रही है? तो उन बोन्स के अंदर क्या होता है? ये आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है? विच इज फिल्ड इन बिटवीन ट्रेबेक्यूला। अरे कौन सा क्यूला? ट्रेबेक्यूला। और स्पॉन्जी बोन। ठीक है, तो दीज आर द स्पॉन्जी पार्ट, एंड इसके अंदर क्या होता है? रेड बोन मैरो होता है।
सर आपने बोला कि येलो बोन मैरो होगा, रेड बोन मैरो होगा, येलो बोन मैरो किधर है? तो सर येलो बोन मैरो बीच में, येलो बोन मैरो वहां की। अच्छा कभी, अच्छा ये अब बोन मैरो का कैसे समझोगे? आई थिंक कभी आप लोग अगर नॉनवेज कंज्यूम किए होंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि जरूरी है, तो आप कभी अगर लेग पीस खाए होते ना, लेग पीस कंज्यूम किए होंगे, जब उसको अगर जो पोल्ट्री वगैरह होती है, जो चिकन होती है, वो काफी इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप पूरे भी पूरे को भी मतलब पूरे चिकन को भी कंज्यूम कर सकते बगैर किसी चीज को फिट करके, इतना वो मतलब कि इसलिए उसका नाम होता है पोल्ट्री, हाँ कि ना? या किसी को मजाक में बोलते हैं कि पोल्ट्री तो पोल्ट्री तो नहीं है, मतलब काफी वीक होता है क्योंकि उसको इंजेक्शन के थ्रू प्रोड्यूस कराया जाता है, समझे कि नहीं? तो उसके अंदर जो आप जब पकने के बाद जो आपको ब्लैक या फिर जो रेड कलर का दिखता है, दैट इज द बोन मैरो। अरे बात समझ में आ रही है? और अब वो हेल्थ के लिए काफी बेनिफिशियल होती है, तो इसके लिए आप लोग लेबलिंग कीजिएगा। तो ये वाला पार्ट कौन सा बताइए? दीज आर RBM। अरे क्या है ये? रेड बोन मैरो। RBM रेड बोन मैरो। और ये वाला क्या है? YBM। YBM का फुल फॉर्म याद रहेगा? अरे याद रहेगा कि नहीं? तो इसको बोलेंगे येलो बोन मैरो। अरे कौन सा मैरो? एरो नहीं, मैरो। दिस इज नॉट एरो, दिस इज मैरो। अरे हाँ जी, बेसिकली मैंने क्या बोला कि दीज आर द लॉन्ग बोन्स, लॉन्ग बोन्स ऑफ द बॉडी। क्लियर? इन लॉन्ग बोन्स में जो स्पॉन्जी पार्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट जो आपको रेड रेड दिख रहा है, ठीक है, तो बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, मारो नहीं, लाल को मारने के बाद नहीं कर रहे हैं, रेड बोन मैरो की बात कर, ठीक है। और जो बीच वाला येलो है तो बोलते हैं येलो बोन मैरो, इन शॉर्ट YBM। इन YBM देयर इज दिस इज द पार्ट वेयर फैट्स आर स्टोर्ड। सिर्फ फैट यहीं पर नहीं, किसी और पार्ट में होते हैं, पर यहाँ पर इनका काम होता है फैट स्टोर करना। क्लियर है? जो रेड बोन मैरो जो ऊपर है और जो आपके पास नीचे है, इनके पास कुछ सेल्स होते हैं, इन सेल्स को बोलते हैं, दीज सेल्स आर नोन एज प्रीकर्सर ऑफ RBC। प्रीकर्सर ऑफ RBC मींस दैट कि दीज आर द सेल्स थ्रू व्हिच फ्रॉम व्हिच RBC इज गोइंग टू फॉर्म, दीज आर द सेल्स फ्रॉम व्हिच द RBC इज गोइंग टू बी फॉर्म, वी फोकस इन द क्लास एवरीवन। एंड दीज सेल्स, इनमें से कुछ सेल्स होते हैं, उनको बोलते हैं हेमोसाइट्स। वो सेल जिनके पास न्यूक्लियस, उनको क्या बोलते हैं? हेमोसाइट। इनके पास क्या होते हैं? न्यूक्लियस होती है, डिवाइड करते हैं और RBC का फॉर्मेशन करते हैं। बट ये जो RBC का फॉर्मेशन करते हैं ना, क्या होता है? इमेच्योर होता है। और इनके फॉर्मेशन के लिए, इनके मैच्योरिटी के लिए दे नीड, क्या सब कुछ बताइए? प्रोटीन, फोलिक एसिड, प्रोटीन, फोलिक एसिड और विटामिन B9। और ध्यान रहे, RBC के फॉर्मेशन के लिए विटामिन B12 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर है क्या? तो सो फॉर दिस, इन सब के जरूरत के हिसाब से इसमें क्या होता है, RBC में मैच्योरेशन होता है। आपको एज यू नो दैट कि ड्यूरिंग मैच्योरेशन द RBC दैट इज न्यूक्लिएटेड दैट बिकम्स इन्यूक्लिएटेड, मतलब न्यूक्लियस को वहां पे और मोस्ट ऑफ द मेजर और सेल ऑर्गेन्स को रिमूव कर दिया जाता है, ताकि इट वुड हैव मोर एंड मोर सरफेस एरिया सो दैट कि ऑक्सीजन उससे बाइंड कर सकता है, कर सके। क्लियर है? तो ऐसे RBC विदाउट न्यूक्लियस, ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्यूक्लिएटेड RBC। अरे मेरी बात आपको क्लियर है यहाँ तक? यस पक्का। सो नोट डाल के राइट डाउन अ पॉइंट, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC किसे बोलते हैं? स्प्लीन। ऐसे लिखेगा कि 1% ऑफ टोटल RBC, 1% ऑफ टोटल RBC destroy daily, and in same amount इनका formation भी होता है जी, new RBC form।
न्यू आरबीसी फॉर्म इन ब्लड. क्लियर? इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा. नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेगा? एज डिस्ट्रक्शन ऑफ एबनॉर्मल या फिर जो डेड जो आरबीसी है उनका डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी टेक्स प्लेस इन स्प्लीन सो कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी. इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा इसमें, जितने भी एक्स्ट्रा आरबीसी होते हैं सो स्प्लीन ऑल्सो स्टोर्स, स्प्लीन स्टोर्स एक्सेस ब्लड जो बॉडी में बनती है ब्लड कॉर्पसल्स सो कॉल्ड ब्लड बैंक ऑफ बॉडी. क्या आप लोग इतनी बात याद रख पाओगे? Yes. ब्लड सो कॉल्ड ब्लड बैंक ऑफ बॉडी. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. White blood cells or corpuscles. इसका दूसरा नाम क्या होता है बताइए? Leukocytes. इनका formation कहाँ होगा? बोलो. नहीं मालूम. बोन मैरो. अभी तो बताया था कुछ देर पहले कि जितने भी कॉर्पसल्स हैं इन सब का फॉर्मेशन कहाँ होगी? रेड बोन मैरो. अरे बात समझ में आ रही क्या? यस. अच्छा ल्यूकोसाइट्स, दे आर कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स बिकॉज़ ऑफ जहां पर भी ल्यूक आए. ल्यूक मतलब हल्का, मतलब कलरलेस. बोलते हैं ना ल्यूक वार्म वाटर, मतलब हल्का गर्म पानी. मतलब यहाँ पे ल्यूकोसाइट का मतलब क्या है कि ऐसे सेल्स जिनका कोई कलर नहीं, मतलब व्हाइट कलर में होता है, मतलब दीज आर कलरलेस. अरे बात समझ में आ रही है? अरे बोलो. कलरलेस की वजह से हम लोग क्या बोलते हैं इसको? बोलो. ल्यूकोसाइट बोलते हैं. अच्छा जैसे हम लोगों ने वहां पर आरबीसी का काउंट की बात किया था, सिमिलरली हियर वी हैव डब्ल्यूबीसी काउंट. तो डब्ल्यूबीसी काउंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एवरीवन स्विच टू कैमरा, इट इज मैंडेटरी, सो टेक केयर. आई विल नॉट से अगेन एंड अगेन. क्या करता हूँ तो मैंने क्या बोला, एक होता है क्या टोटल नंबर ऑफ WBC, इसको बोलते हैं TLC. इनका फुल फॉर्म टोटल ल्यूकोसाइट. बोलिए आगे. काउंट. क्लियर है? जब इनका TL, जब आप लोग ब्लड के रिपोर्ट देखिए, खैर आपने पता नहीं, आप लोग ध्यान देते नहीं रहते हैं. जब मैं TLC का नाम जब से सुना हूँ तब से मुझे मालूम चलता है, तब से मैं ब्लड रिपोर्ट में ध्यान से पढ़ता हूँ कि कौन कौन सा चीज क्या है, कैसे होती है, ये सारा चीज समझने की कोशिश करता हूँ. समझे क्या? आज से नहीं, जब से मैं मतलब बायोलॉजी लीव चूज किया हूँ तभी से. समझे क्या? ये आपको ध्यान रखना है.
तो उसमें कहीं पे आपको जब आप ब्लड का टेस्ट करेंगे डेंगू या मलेरिया या किसी का, तो वहां पे टीएलसी आएगा, मतलब डब्ल्यूबीसी का काउंट आएगा। क्लियर है? अलग अलग कंडीशन में इसका नंबर बढ़ता भी है, इसका नंबर घट भी सकता है। क्लियर है? तो इनका हम लोग टीएलसी कैसे कैसे मापते हैं, तो नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी, नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी पर एमएमक्यू। क्लियर है? और इसका नंबर पता कितना होता है, इसका जो रेंज होता है 8000 पर मिलीमीटर क्यूब। और इसके रेंज में जो डेट में इंक्रीज और डिक्रीज ना, तो प्लस माइनस करके फ्रॉम 2000 to 3000 इट में इंक्रीज और इट में डिक्रीज। इज इट क्लियर? यस सर। प्लस माइनस का मतलब क्या, इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। जब ये बात समझ में आई तो एक टर्म लिखिएगा इसमें, ल्यूकोसाइटोसिस। इट इज द कंडीशन वेयर देयर इज इंक्रीज इन टीएलसी। और ऐसा कब होता है, जब आपके बॉडी में इन्फेक्शन होती है, वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अरे यही तो वो है आपके बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म। सो दे डिस्ट्रॉय द पैथोजन और द फॉरेन माइक्रोब दैट एंटर्स इन योर बॉडी टू हार्म योर बॉडी। यस नो? तो पहले आपने बेसिकली ये क्या है, आर्मी है आपके बॉडी के सेल्स में। क्या है? आर्मी है, जो कि आपके बॉडी के सेल्स को बचाता है, प्रोटेक्शन देता है, डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है, आपके इम्यून सिस्टम का पार्ट है। तो जब जब भी कोई आपके बॉडी में इन्फेक्शन होगा तो आपके टीएलसी का काउंट बढ़ेगा। इसका मतलब समझना कि आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ वायरल इन्फेक्शन, मतलब कोई ना कोई इन्फेक्शन हुआ है जिनकी वजह से अपना आर्मी बढ़ाता ही। फॉर एग्जाम्पल, जब अपने जो कंट्री में बॉर्डर हुआ करते हैं, मान लो कहीं पे हमला होता है, तो वहां की आर्मी बढ़ जाती है ना। अरे हाँ जी, ताकि उसको आप खत्म कर सको, डिस्ट्रॉय कर सको। तो वैसे भी कुछ अपने बॉडी में काम करती है, तो अपनी आर्मी बढ़ाती है। तो डब्ल्यूबीसी ये एक टाइप का नहीं, ये भी अलग अलग टाइप का होता है, मतलब आगे बढ़ने वाले। तो ऐसा कंडीशन लिखिए, कंडीशन वेयर टीएलसी इंक्रीजिंग। अरे बात समझ में आ रही क्या? और ये कब होगा बताइए, व्हेन देयर इज इंफेक्शन, व्हेन देयर इज वायरल एज वेल एज बैक्टीरियल इंफेक्शन, बैक्टीरियल एंड वायरल इंफेक्शन। बैक्टीरियल एंड वायरल इंफेक्शन। डन? यस। आगे बढ़ो। यस जेल हो गया। यस मेहरीन, कैमरा ऑन कीजिए। सिमिलरली राइट ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टर्म लिखिए, एक कंडीशन होता बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपेनिया। ल्यूकोसाइटोपेनिया, क्लियर? इट इज द कंडीशन व्हेन देयर इज डिक्रीज इन टीएलसी, डाउनवर्ड एरो ईएस का मतलब क्या होता है, डिक्रीजेस, अपवर्ड एरो ईएस का मतलब होता है इंक्रीजेस। तो कंडीशन वेयर देयर इज डिक्रीज इन टीएलसी। क्लियर है? तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलेंगे, ल्यूकोसाइटोपेनिया बोलेंगे। जनरली ड्यूरिंग वायरल एज वेल एज बैक्टीरियल इंफेक्शन इनका नंबर बढ़ता है, लेकिन कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पर इनका नंबर घटता है। क्या मुझे कोई इसको एक
मतलब मुझे बता सकता है कि ऐसा कहाँ पर होता है? चलो झील आप ही बताओ, झील yes. हाँ जी नहीं बोलोगे? अरे बोलो, नॉर्मली टीएलसी इंक्रीजेस, नॉर्मली टीएलसी इंक्रीजेस इन इन्फेक्शन, अरे हाँ जी इन इन्फेक्शन, बट कुछ कंडीशन ऐसा है, बट इन केस ऑफ एड्स का नाम सुना है क्या? टाइफाइड का नाम सुना है क्या? टाइफाइड एज वेल एज एड्स, एड्स का फुल फॉर्म acquired immunodeficiency disease, not disease, syndrome, sorry. तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आते हैं, इसे क्या बोलते हैं? सिंड्रोम बोलते हैं. तो इन दिस केस दिस इज द ओनली केस दैट टीएलसी डिक्रीजेस, बट इन केस ऑफ एवरी इंफेक्शन देयर इज इंक्रीज इन टीएलसी, यस और नो? अरे बोल भाई सर, आप वंस अगेन आई टोल्ड दैट नॉर्मली इन केस ऑफ एवरी इंफेक्शन देयर इज इंक्रीज इन टीएलसी टोटम, WBC का नंबर हर इंफेक्शन में बढ़ेगा, बट इन केस ऑफ एड्स एंड टाइफाइड देयर इज डिक्रीज इन टीएलसी. तो ऐसे कंडीशन हम लोग बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपेनिया, यस नो? यहाँ पे जो लिखा हूँ वायरल इंफेक्शन का मतलब क्या है? बैक्टीरियल एज वेल एज वायरल इंफेक्शन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा एड्स जो होती है, एड्स किसकी वजह से होती है? STD. ये तो STD है. STD का फुल फॉर्म सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मींस द डिजीज विच ट्रांसमिट थ्रू विच ट्रांसफर थ्रू सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, यस और नो? एड्स इज कॉज्ड वायरस, वायरल इंफेक्शन होता है. ये वायरल इंफेक्शन है, पर वायरस का नाम है HIV. हाँ. HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. पर यहाँ पे एक टर्म है इम्यूनो, ये ऐसा वायरस है ना वो कुछ और करता नहीं है, आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर देगा. मतलब इसका पहला सिम्टम आने के लिए आपको 5 से 10 साल वेट करना पड़ेगा, लेकिन इस दौरान क्या करता है ना, अंदर के पूरा इम्यून सिस्टम को पूरा अंदर से खोखला कर देता है. तो फिर ऐसे पर्सन को जिनको एड्स है उनको पता है क्या सिम्टम, क्या सिम्टम्स है? उनको रेगुलर कफिंग रहेगी, रेगुलर फीवर रहेगा, मतलब तबीयत खराब खराब होना होना ये रेगुलर रहेगा, एलर्जी होने लगेगी, नजला होने लगेगा, मतलब बहुत सारे सिम्टम्स. इसे तो बोलते हैं सिंड्रोम, एक सिम्टम नहीं है, इसमें बहुत सारे सिम्टम है, ठीक है, लेकिन इसे कोई परमानेंट क्योर नहीं है. सिर्फ इसको हम लॉन्गिविटी बढ़ा सकते हैं, पीपल के कितना दिन रहे वो बढ़ा सकते हैं बाय क्योरिंग, लेकिन परमानेंट कोई भी क्योर पूरे वर्ल्ड में नहीं आया है. हाँ जी अगला कंडीशन लिखिएगा ल्यूकेमिया, इसका नाम तो आप लोगों ने सुना होगा. हाँ सर. क्या होता है ल्यूकेमिया बताइए? कैंसर होता है, ब्लड कैंसर, वेरी गुड. उसमें लिखिए एबनॉर्मल, एबनॉर्मल इंक्रीज इन टीएलसी, इन टीएलसी जनरली में मैंने एक नंबर लिखा है 6 to 8,000, बढ़ने से +2 या +2 to 3,000 ये इंक्रीज कर सकता है. ऐसे केस में क्या होता है? ग्रेटर देन 1 lakh, नंबर इतना बढ़ जाता है. बात समझ में आई? नंबर में 1 lakh से ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम ऐसे कैंसर क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल इंक्रीज इन टीएलसी, मतलब इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर बोलते हैं. सो इट इज कॉल्ड, अरे क्या बोलते हैं झील, अरे क्या बोलते हैं? ब्लड कैंसर.
कोई बात नहीं, मत बोलिए, नुकसान आपका है, हमारा क्या है, बोलते हैं ना, इसमें मेरा क्या है, इसमें तेरा धाका। सर ये ल्यूकेमिया में आरबीसी काउंट भी बहुत कम हो जाता है ना? आरबीसी काउंट कम होता है, इसे आपने पढ़ा है क्या? एंड स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि डब्ल्यूबीसी बढ़ता है साथ ही में आरबीसी कम हो जाता है, तो फिर उसका डिस्ट्रक्शन वगैरह होता होगा जिनकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, जनरली इसमें हम लोग ल्यूकेमिया में किसकी बात करते हैं, ल्यूकोसाइट्स की बात करें, इसलिए नाम है ल्यूकेमिया। क्लियर? यस सर। आगे बढ़ूं? यस सर। अगर हम लोग जैसे हम लोग अलग अलग सेल्स को डिवाइड करते हैं ना कि इसमें डिफाइंड न्यूक्लियस है नहीं है, सिमिलरली जो आपके पास ल्यूकोसाइट है मतलब जो डब्ल्यूबीसी है, मतलब जनरली आगे जो आप लोग टर्म ले नाम लेने वाले हो उसको ल्यूकोसाइट लेने वाले हो, वहां पर ल्यूकोसाइट का मतलब क्या है, डब्ल्यूबीसी है, क्योंकि उसका दूसरा नाम है कि ना, ड्यू टू हैविंग कैरेक्टरिस्टिक कलर दैट इज कलर रिलीज नॉट। यहाँ पर हम लोग टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी बात करेंगे, मतलब टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट बात करेंगे। पार्वती समझ में आ रहा है? इस बार तो आप लोगों ने नंबर लगाए ना, दिल को खुश कर दिया ना, दिल गार्डन गार्डन हो गए, इतने अच्छे नंबर, वेरी बैड, नॉट एक्सपेक्टेड लाइक दिस। हाँ लिखिएगा इसमें टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट ऑन द बेसिस ऑफ On the basis of nucleus, ध्यान रहे इसमें न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता है? होता है, इसमें न्यूक्लियस होगा ना। And nature of cytoplasm, cytoplasm ये दो टाइप का होता है। क्लियर? पहला को बोलते हैं granulocytes, yes or no? First one is जिनको बाद में बोलने में प्रॉब्लम होगा इसे साथ में रिपीट कर लो, दैट इज फर्स्ट वन इज ग्रेनुलोसाइट, मतलब समवट देयर इज ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, रिमेंबर दिस पॉइंट, देयर विल बी सम काइंड ऑफ ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई कॉल इट एज ग्रेनुलोसाइट। यस और नो? यस स्टूडेंट, इज इट क्लियर? There will be some granular structure, that's why we call it as granulocytes, या बोलने के लिए granulocytes बोल सकते हैं। क्लियर है? अरे हाँ जी, yes sir, क्लियर, yes sir। So in granulocytes, in their cytoplasm, there are some structure that can be stained with a specific dye, so ऐसा cytoplasm जिनके पास granules present हो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, granulo साइट्स बोलेंगे। यस और नो? अनदर कैरेक्टरिस्टिक जो इनका फीचर्स होता है क्या है, जो इनका न्यूक्लियस होगा, जनरली आपने सर्कुलर न्यूक्लियस पढ़ा होगा या बाई कनके वाला पढ़ा होगा, हाँ कि ना? लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट लोब का होता है, क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लोब न्यूक्लियस होता है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि दिस न्यूक्लियस विल बी मल्टी लोब, न्यूक्लियस इज मल्टी लोब। क्लियर? यस। एंड लोब्स आर इंटरकनेक्टेड विद देयर प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड, यस और नो? जो उनके लोब्स होंगे ऐसा नहीं कि अलग अलग हो जाएगा, आपस में कनेक्टेड रहेगा, एंड लोब्स आर इंटरकनेक्टेड by protoplasmic strand, protoplasmic strand, is it clear to everyone? Yes sir. आगे बढ़ो क्या? अगर नेक्स्ट बात करें हम लोग, सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
प्रेजेंस ऑफ लोट न्यूक्लियस, इसलिए आपको आपने अभी पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ का मतलब होता है स्ट्रक्चर, मॉर्फ का मतलब क्या होता है स्ट्रक्चर, जैसे नो मतलब जिसको हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब इनके पास लॉग होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म, जैसे नो सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉग न्यूक्लियस दे आर कॉल्ड कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट और WBC, यस और नो, प्रोड्यूस्ड इन रेड बोन मैरो, इज इट क्लियर? अरे कहाँ बनेगा भाई, रेड बोन मैरो में बनेगा। आगे बढ़ो, सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स, यस और नो, कितने टाइप के, थ्री टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट्स, ट्राई टू फोकस ऑन द स्क्रीन एंड व्हाट एवर आई एम सेइंग, नॉट ऑन द फोकसिंग ऑफ कैमरा ऑफ करें, माइक ऑफ करें, माइक ऑन करें, इसे में टाइम पढ़ोगे क्या फिर आप लोग, तो ना ध्यान रखिए आप तो कैमरा में आपका फोकस आपके स्क्रीन पे हो और आप क्या मैं बोल रहा हूँ और आपको क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना, आप इस पे फोकस कीजिए, ना कि माइक ऑफ ऑन करने में, तो फिर जिंदगी भर इसी में रह जाओगे ना, फिर आपको फटे ध्यान रहे मेरा कैमरा ऑन है, कैमरा पहले कैमरा ऑफ करो, समझ रहे हो, तो ध्यान रहे आपको। तो मैंने क्या बोला, थ्री टाइप्स ऑफ ग्रेनुलोसाइट, बीच बीच में कुछ ऐसी बात बोल रहे जैसे आप लोग मुस्कुराते रहते हो, हंसते रहते हो, हमें ऐसे मौका नहीं मिलता था यार, समझे, तो मिल रहा है लोग पता नहीं कहाँ खोए। अच्छा हाँ, ग्रेनुलोसाइट मतलब ऐसा जिनके साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ग्रेन्यूल्स होंगे, जिनको हम लोग स्पेसिफिक डाइट से एक्सटेंड कर सकते हैं, हाँ कि ना, जिसमें पहला हम लोग अगर ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में बात करेंगे ना, तो पहला आपका होता है एसिडोफिल, क्या होगा, एसिडोफिल्स, जो दूसरा आपके पास होगा बोले क्या होगा, बेसोफिल्स, याद करने का मैं शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा, पक्का आप लोग मुस्कुराओगे या फिर कुछ लोग तो दांत निकाल के हंसेंगे। न्यूट्रोफिल्स, जैसे कि आप लोगों ने करप्शन का नाम सुना है क्या, नाम तो सुना होगा करप्शन का, क्योंकि आए दिन का ऐसा मामूल होता है आप लोगों का, ब्लैकमेल के साथ साथ करप्शन भी आप लोग अच्छे से जानते हैं, करप्शन को दूसरे नाम पे क्या, कैनवी से गवर्न कर देना, तो मान लो 10 करोड़ का फंड आया, पूरे के 10 के 10 करोड़ गवर्न कर दिया, पब्लिक को पता नहीं चलेगा 10 करोड़ कहाँ गए, ऐसा होता है, अरे करप्शन को गवर्न करना बोलते हैं ना, तो ध्यान रहे, जी फॉर ग्रेनुलोसाइट, ए फॉर एसिडोफिल, बी फॉर बेसोफिल, एन फॉर न्यूट्रोफिल, हो गया ना गबन, अरे गबन हुआ कि नहीं बोलो, सबको ऐसे याद रखना, गबन से याद आया ग्रेनुलोसाइट, एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, हाँ क्या करें, तो क्या करें, हमने पूरे के पूरे 10 करोड़ को गबन कर दिया, मतलब पूरे के पूरे बायोलॉजी के चैप्टर को गायब कर दिया सिलेबस से, तो हमें तो मालूम ही नहीं था, उसको क्या बोलेंगे, ग्रेनुलोसाइट, जिनमें 3 टाइप के होते हैं, एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, इज इट क्लियर टू एवरीवन, हेलो, सबने लिख लिया, सबने लिखा, दूसरा लिखिएगा क्या, दूसरा क्या होगा काकड़ी, आप बताओ, भागो मत, ए ग्रेनुलोसाइट,
साइड्स। इसमें क्या होता, क्या होगा योग्यता कमले आप बताएंगे? ए ग्रेनुलोसाइट में क्या होता है? युक्ता कमले, I am asking to you, so please answer answer the question. Granulite is the cytoplasm. Once again, A granulite. Granules नहीं, good. तो उसमें क्या आप पहला point क्या लिखेंगे? साइटोप्लाज्म में इसका होगा वो कैसा होगा? क्लियर होगा। साइटोप्लाज्म इज विदाउट ग्रेन्यूल्स, विदाउट ग्रेन्यूल्स, और विदाउट ग्रेन्यूल्स हम लोग क्या बोलेंगे? ए ग्रेन्यूलर बोलेंगे, यस और नो? यस। इसका मतलब जो न्यूक्लियस होगा वो मल्टीलोड कंडीशन में डिवाइड होगी? नहीं, न्यूक्लियस इज नॉट डिवाइडेड, नॉट डिवाइडेड इनटू लोब, मतलब वो कंप्लीट होगा ना, नॉट डिवाइडेड इनटू लोब। क्लियर? जब ऐसा कंडीशन है तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? सो कॉल्ड, पहले वाला को पॉलीमॉर्फ था, ये वाला कौन सा होगा? मोनो न्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी, यस और नो? अरे बोल भाई। यस। शुड आई मूव टू नेक्स्ट? यस सर। झील, अरे झील, यस और नो? नो सर। Okay, good. Produced in red bone marrow, Rehaji, and it is of two types. कितने टाइप के? दो। दो कौन कौन से होंगे बोलो? एक तो होगा मोनोसाइट, एक क्या होगा? मोनोसाइट, और दूसरा क्या बोलो? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, गुड, मालूम तो है यार, लिम्फोसाइट। याद रखने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? अरे आपने एमपी एमएलए का नाम तो सुना होगा, एमपी एमएलए का नाम तो आपने सुना होगा। एम फॉर मोनोसाइट, एल फॉर लिम्फोसाइट, ए फॉर ए ग्रेनुलोसाइट ने गवन कर लिया। क्या याद रख पाओगे? अरे बोलो। एमएलए ने पूरा का पूरा 10 करोड़ का बजट गवर्न कर लिया। इज इट क्लियर? अरे हाँ जी। एम फॉर मोनोसाइट, एल फॉर लिम्फोसाइट, और ये है क्या? ए ग्रेनुलोसाइट। और दूसरा वाला क्या है? ग्रेनुलर है, हाँ कि ना? मतलब एक हो गया ए फॉर अमीर, एक और हो गया जी फॉर गरीब, हाँ कि ना? इन सब का फंड को उसने गवर्न कर लिया। तुमने क्या बोला? एमएलए ने पूरा का पूरा फंड को ही गवर्न कर लिया। हाँ जी। ए फॉर एसिडोफिल्स, बी फॉर बेसोफिल्स, एंड फॉर न्यूट्रोफिल्स। क्लियर टू एवरीवन? यस सर। आगे बढ़ो। सो बेसिकली
So basically, we have five types of WBC or leukocytes. Basically, in leukocytes को हम लोगों ने दो ग्रुप में बांटा. Granulocytes जिनके पास granules होंगे, जिनके पास नहीं होंगे, उनको क्या बोलेंगे? A granulocytes बोलेंगे. Clear है? जो granulocytes है, ये आपका three type का होगा. Acidophils, basophils और neutrophils. Yes or no? Whereas जो आपके पास A granulocytes होंगे, दो type का होगा. आपके पास क्या होगा? Monocytes जैसा क्या होगा? Lymphocytes. Lymphocytes दो type का होता है. B lymphocytes और T lymphocytes. Clear है क्या? ये हम लोग आगे चल के डिटेल से पढ़ेंगे. एसिडोफिल्स बेसिकली साइज में कितना? 10 टू 14 माइक्रोन. बेसिफिल्स क्या होता है? 8 टू 10 माइक्रोन, जो कि स्मॉलेस्ट है. न्यूट्रोफिल्स 10 टू 12 माइक्रोन है. मोनोसाइट्स आपके पास 12 टू 20 माइक्रोन है. लिम्फोसाइट आपके पास 6 टू 16 माइक्रोन है. इज इट क्लियर? लाइफ स्पैन इसकी कितनी होती है? एसिडोफिल्स की 14 आवर्स, इसकी 10 आवर्स क्योंकि इससे कम होती है. न्यूट्रोफिल्स 12 आवर्स है. फिर जो मोनोसाइट है, क्योंकि इनको ज्यादा काम करना पड़ता है, ये स्केवेंजर है, इसलिए क्या होते हैं, इसकी लाइफ टाइम स्पेंड और के मुकाबले ज्यादा होती है, लेकिन 24 आवर्स से कम होती है. क्लियर है? वहीं पर लिम्फोसाइट है, क्योंकि आपके इम्यून सिस्टम का पार्ट है, इससे इसको लाइफ स्पेन ज्यादा होना मांगता है, ताकि अगर डेली अगर कम टाइम का हो तो फिर अपना इन्फेक्शन से हम ज्यादा बच नहीं पाएंगे. क्लियर है जी? इसका होता है 5 to 7 days इनकी लाइफ स्पेन होती है. अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ लॉबिंग, मतलब कितने लॉब के हैं, तो एसिडोफिल्स बाइलॉब है, जो कि आपको इस चित्र में डायग्राम में दिख रहा होगा. बेसोफिल्स 2 or 3 लॉब के होते हैं, जल्दी आपको 3 दिख रहा है. इट इज एस शेप्ड, ये बेसोफिल्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है, ध्यान रखना. एस शेप्ड बाइलॉब, एस शेप जो लॉबिंग होती है, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? झील की नहीं, बेसोफिल्स की. हाँ जी. अगला है आपके पास न्यूट्रोफिल्स, ये 3 to 5 लॉब होते हैं. बाकी आपको पता है उनके पास क्या होती है? ए ग्रेनुलोसाइट, मतलब कोई ग्रेनुलोसाइट होती ही नहीं है, तो लोबिंग भी उनके पास नहीं होती है. बात समझ में आ रही है? ना तो बाइलोब है, ना तो टी लोब है, ना तो जे लोब है, ना जी लोब है. हाँ कि ना? ये सब आपके पास था लोबिंग के हिसाब से. अगला है फंक्शन. एसिडोफिल्स का फंक्शन क्या होता है? इट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट एलर्जी एज वेल एज पैरासिटिक इन्फेक्शन. अब सब किसी का अपना बटा हुआ काम है, पर जब जरूरत पड़ती है तो सब मिलकर के अपने नंबर्स बढ़ाते हैं और सामने वाले बाहर के आदमी को मार भगाते हैं और उसका मार मार के गजुमा निकाल देते हैं. हाँ जी. हाँ, नेक्स्ट आपके पास बेसोफिल्स. बेसोफिल इट विल सेक्रेट ट्रेन ट्रांसपोर्ट हेपरिन हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन. कुछ एलर्जी के लिए होती है, कुछ एंटीकोगुलेंट होती है और कुछ ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए होती है. हाँ कि ना? इन सबको ये मेंटेन करता है. नेक्स्ट है न्यूट्रोफिल्स. ये फेगोसाइटिक नेचर होता है. जो भी माइक्रोब अपने सेल्स को नहीं, हाँ, जो भी माइक्रोब आपके बॉडी में एंटर करेगा उसको क्या करेगा? अपने, जैसे आपको पता है ना अमीबा क्या होता है, इनगल करके, मतलब अपने साइज को बढ़ा करके सीडोपोडिया लाइक बना करके इनगल करके उसको डिस्ट्रॉय करता है, मतलब उसके उस ऑर्गेनिज्म से फूड को एब्जॉर्ब करता है. आगे ना, अपने एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. वैसे यहाँ पे क्या करता है, फेगोसाइटिक है, उन माइक्रोब पे इनगल करेगा और उसको डिस्ट्रॉय करेगा. जैसे कि आपके पास क्या है, पैथोजन में बैक्टीरिया और वायरस वगैरह, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फेगोसाइटोसिस. इज इट क्लियर टू एवरीवन? कभी कभी क्या होता है, कभी कभी दिल में ख्याल आता है, वो अलग बात है, कि कभी कभी क्या होता है कि जो फेगोसाइट्स हैं ये खुद के सेल्स को खाने लगते हैं, जो मैंने अभी नेक्स्ट आपका नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है. नेक्स्ट है मोनोसाइट. नेचर में कैसा होता है, इसके वजह होता है जो भी ब्लड में डेड सेल्स वगैरह होती है या फिर उनके जो पार्ट्स वगैरह होते हैं उनको क्लीन अप करता है, ताकि ब्लड क्लीन रहे. लिम्फोसाइट्स के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में लिख रखा हूँ, आपको मैं नेक्स्ट जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ठीक है, वैसे एक्सप्लेन कर ही देता हूँ. हाँ, तो इसको मैंने क्या बोला, इसमें अलग अलग टाइप के होते हैं. टी किलर होते हैं, इट विल डायरेक्ट किल द माइक्रोब. जैसे नो किलर का काम होता है किल करना, हेल्पर का काम होता है कि टी किलर को हेल्प करे ताकि मारने में मदद करे. हाँ कि ना? नेक्स्ट है बी लिम्फोसाइट. बी लिम्फोसाइट बेसिकली क्या करता है, इट विल प्रोड्यूस एंटीबॉडी एंड ट्रांसपोर्ट एंटीबॉडी, दैट इज द बी लिम्फोसाइट. इट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट वी हैव टी सप्रेसर. बेसिकली कभी क्या होता है, ऐसे केस में जहां पर अपने वो खुद के सेल्स को पहचानना भूल जाते हैं और अपने ही इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने लगता है, अगर उसको कोई कंट्रोल करने वाला ना हो, उसको सप्रेस करने वाला ना हो, तो पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा. जब when this the immune system will be destroyed, then what will happen? क्या पे इम्यूनिटी वीक हो जाएगी और आपको बार बार बीमारियां होगी. जैसे आपको याद होगा, जैसे फीवर वगैरह होता है तो आपका हाइपोथैलेमस क्या होता है, बेसिकली टेम्परेचर को कंट्रोल करता है. क्या करता है? हाइपोथैलेमस टेम्परेचर को कंट्रोल करता है. अगर वो हाइपोथैलेमस ये भूल जाए कि हमने अपने बॉडी का टेम्परेचर को बढ़ा रखा है. अब बढ़ाया क्यों है? ताकि अपने जो बॉडी में माइक्रोब्स या पैथोजन इंटर किया है उसको किल करने के लिए.
और वो बढ़ा के भूल जाता है, और उसी को याद दिलाने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, पैरासिटामोल लेते हैं या डोलो लेते हैं। अरे हाँ जी, क्या लेते हैं, पैरासिटामोल या डोलो, मतलब फीवर की दवाई, ताकि उसके बॉडी के टेम्परेचर को कम करे। कोई दिक्कत नहीं आता क्या, बोलो। इन नेक्स्ट वी हैव नंबर में बात करें तो नंबर में हम लोग यहाँ परसेंट की बात करते हैं। तो जो टोटल लिम्फोसाइट काउंट है आपके पास PLC 2-3% क्या होगा, एसिडोफिल्स होगा, 0-0.5-1% दैट इज मिनिमम बेसोफिल्स होंगे, मैक्सिमम 60-65% होगा दैट इज द न्यूट्रोफिल्स। इन नेक्स्ट वी हैव मोनोसाइट दैट इज 6-8%। इन नेक्स्ट वी हैव लिम्फोसाइट जो कि दो टाइप का होता है, BOT लिम्फोसाइट, यस और नो, इनका डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज क्लास 12। ये नंबर में होता है 20-25%। कोई दिक्कत है क्या? नेक्स्ट आपके पास है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, एक होता है इओसिनोफिलिया। क्या होता है इओसिनोफिलिया, मतलब एक होता है टेनिया सोलियम, एक होता है एस्केरिस। ये दोनों क्या होता है, एक पैरासाइट है जो कि अपने ह्यूमन में काम करते हैं, कुछ और कैटल में भी ये बीमारी कॉज करती है। तो ऐसे केस में क्या होता है, इन केस ऑफ ह्यूमन एसिडोफिल्स के नंबर बढ़ जाती है, तो ऐसे कंडीशन में बोलते हैं इओसिनोफिलिया। क्लियर है? नेक्स्ट आता है न्यूट्रोफिल्स में, न्यूट्रोफिल्स में ड्यू टू स्मॉलर साइज एंड फेगोसाइटिक नेचर इसको बोलते हैं माइक्रोफिलिस में। जब पुलिस क्या करती है, लोगों को डंडे मार मार के भगाती है, हाँ कि ना, याद होगा लॉकडाउन में। अरे याद है क्या, अगर आप लोगों ने आपको ये भगाया अलग बात है, लेकिन टीवी में तो जरूर देखा होगा। नेक्स्ट आपके पास मोनोसाइट, मोनोसाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि स्कैवेंजर है, डेड सेल को हटाता है, इसको क्या बोलते हैं, मैक्रोफिलिसमैन बोलते हैं। बाकी ये नेक्स्ट आपका का डायग्राम है। क्या यहाँ तक सबको समझ में आई कि नहीं आई, यस और नो? यस सर। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए प्लेटलेट। प्लेट नहीं, प्लेटलेट। यस, क्या बोला मैंने, प्लेट्स नहीं, प्लेटलेट्स। साइज में अगर बात करें तो साइज में कितना होता है, 2-3 माइक्रोन होता है, 2-3 माइक्रोन इन साइज। बहुत बड़ा हो गया ना, यस और नो? नहीं। इनकी लाइफ स्पैन होती है, इनकी लाइफ स्पैन होती है 2-4-5 days। क्लियर है? काउंट होती है, आई थिंक ये आप लोग कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि जब जब भी बीमारी होता है, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया वगैरह, तो वहां पर हम लोग प्लेटलेट्स के काउंट देखते हैं। तो जब जब भी वैसे बीमारी होती है, प्लेटलेट काउंट कम होने, गिरने लगती है। तो इसकी रेंज होती है 1.5-3.5 lakh, वो भी मेजरमेंट में पर मिलीमीटर क्यूब। अरे हाँ जी, और इसका सबसे जो लोवेस्ट होती है, जिसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, उसके नीचे दैट इंडिविजुअल दैट पेशेंट में लोस दियर कंसियसनेस। एक मजे की बात बता रहा हूं, ये मिनिमम 1.5 के लाख है ना, समझ में आ रहा है क्या, 1,50,000 से 3.5 लाख की रेंज। ये ज्यादा जो 4.5 भी हो सकता है, 6 भी सकता है, ठीक है ना, पर ज्यादा होने का मतलब आपके बॉडी में कहीं ना कहीं इंफेक्शन हुआ है। ठीक है, जो मेरी जो पहुंची थी वो 40,000 पहुंची थी एट द टाइम हैड I was almost about to lose my consciousness. फिर मैं आंखें खोल के देख रहा था कि दुनिया में क्या, मतलब क्या है। 40,000 और 20 में इंसान अपना दम दे देता है, समझ रहे हो, 20 में इंसान अपना दम दे देता है। 20,000 क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट होती है। बाकी मौत का कोई ठिकाना नहीं, वो किसी को भी ले आता, बच्चे को भी ले आता है, बूढ़े को भी ले आता है, उसको कोई ठिकाना नहीं ना। ये ऐसा मेहमान है जो बिन बुलाए आते हैं, समझ में आ रहा है क्या, ये ऐसा गेस्ट है जो बिन बुलाए आते हैं, बाकी सारे गेस्ट इन्फॉर्म होके आते हैं ना। अरे बात समझ रहे हो क्या? तो
ये जो 40,000 था इससे नीचे हो सकता था, लेकिन डॉक्टर डायरेक्ट मुझे प्रीफर किया हॉस्पिटलाइज करने के लिए। तो कंटिन्यूअसली 24 into 3 days आई वाज हॉस्पिटलाइज एंड कंटिन्यूअसली पानी 24 into 3 days कंटिन्यूअसली चलाया जा रहा था। इनमें प्लेटलेट्स बढ़ती गई, फिर 3.5 हुआ, फिर 1.5 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, फिर 3.5, 4, 5, 6 हो गए। डॉक्टर ने रिलीज कर दी कि जाओ बाहर। समझा क्या? ये होती है प्लेटलेट की खेल। हाँ, इसका दूसरा नाम है, जैसे सबका मैं कोई ना कोई नाम रखता हूँ। हाँ जी, आप लोग का भी कुछ ना कुछ नाम रखता हूँ मैं, ये सुन लो, आप लोग भी मैंने कुछ ना कुछ निक नेम बनाया है, वैसे ही इनका भी कुछ ना कुछ दूसरा नाम होता है। इनको बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें न्यूक्लियस होती है क्या? नहीं, दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड। तो सवाल ऐसा पूछ सकता है कि इसमें हाउ मेनी ऑफ द कॉर्पसल या हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव न्यूक्लियस, क्या आप उसको आंसर कर सकते हो? यस सर, यस। और इसको कुछ बोन के सेल से डिराइव किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेगा कैरियोसाइट्स बोलते हैं। मेगा मतलब बड़ा, मेगा कैरियोसाइट्स। टिल नाउ एनिमल है प्रॉब्लम, और ये किसका सेल होता है? बोन मैरो का। अरे बोलो भाई, किसका होता है? बोन मैरो। एक बात बताइए, येलो बोन मैरो का काम क्या होता है? टेल मी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ येलो बोन मैरो? स्टोर फैट्स। इट इज स्टोर फैट्स। एंड रेड बोन मैरो का क्या काम होता है? अरे बोलो, इट विल, इसके अंदर क्या होती है? सारे के सारे कॉर्पसल, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की फॉर्मेशन होती है रेड बोन मैरो में, आगे ना डिस्क लाइक शेप होता है। यस एंड नो? ओवल और बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स, इज इट क्लियर? अरे बोलो ना। Yes, आगे बढ़ो। Yes. Move to next? Yes, sir. Next point लिखेगा। अच्छा, क्रिटिकल काइंड ना, क्रिटिकल काउंट 40,000 है, नॉट 20,000। समझ रहे हैं? समझ में आ रहा है क्या? क्रिटिकल काउंट कितनी होती है? 40,000, ठीक है? और 20,000 बहुत, अगर 20,000 पहुंचता है, लेकिन बॉडी के कुछ इम्यून सिस्टम की वजह से थ्रू हो, उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, और कुछ लोग तो दम दे बैठते हैं, मतलब उनकी डेथ हो जाती है। क्लियर? नेक्स्ट इसमें लिखेगा, जो इनका साइटोप्लाज्म होगा, इन देयर साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? इन देयर साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक साइट ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट। क्लियर? और उसको हम लोग स्टेन कर सकते हैं स्टैंड बाई मिथाइलिन ग्लू। ये क्या है? डाई है कि नहीं बोलो? हाँ सर, हाँ, बेसिक डाई है। बेसिक डाई, इसलिए क्या है? बेसोफिलिक, हाँ कि ना? कोई दिक्कत है? बोलो। नहीं सर, नहीं सर। और जो इसका मैक्सिमम पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म जो होता है ना, मैक्स पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, मैक्स पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म
कंपोज्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, और इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बोलो, किसी को मालूम है क्या? थ्रोम्बोसिन, थ्रोम्बोस्थेनिन, ठीक है, थ्रोम्बोस्थेनिन, ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होती है जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होती है। क्लियर है? अगर इसके नंबर में कमी हुआ तो डिक्रीज इन नंबर, डिक्रीज इन नंबर ऑफ ब्लड प्लेटलेट, ऑफ ब्लड प्लेटलेट, इनको क्या बोलते हैं, एनीवन, दैट वी कॉल एज, वहां पे कुछ पेनियन नाम पढ़ा था हम लोगों ने, अरे कुछ पेनियन नाम पढ़ा था, वैसे यहां पर भी होगा, थ्रोम्बो साइटोपेनिया, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर, नो, कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। इनका क्रिटिकल काउंट होता है कितना होता है, क्रिटिकल काउंट 40,000, क्रिटिकल काउंट ऑफ थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट इज 40,000 पर एमएम क्यूब, जो कि एमएम सर का पहुंच चुका था कि ना, अगर इससे नीचे हो जाए, अगर इससे, तो नोट डाल के कोई लिखना आप लोग, इफ इट गोज डाउन, इफ इट गोज डाउन क्रिटिकल काउंट, क्रिटिकल काउंट, देन बॉडी में ये डॉक्टर्स कुछ निशान देखना शुरू करते हैं, क्या कि ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उसको बोलते हैं बॉडी में कुछ रेड स्पॉट आने लगता है। क्लियर है? अरे बोलो, रेड स्पॉट या फिर कुछ लंबी लंबी लाइनिंग आने लगती है, मतलब रैशेस आने लगती है, यस और नो? रैशेस अपीयर्स, कोई दिक्कत है बोलो? नहीं सर। और ऐसे ही कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पर प्यूरा डिजीज, रेड स्पॉट या रैशेस आने लगते हैं अगर वो क्रिटिकल काउंट से नीचे आ जाए तो, ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, दिस कंडीशन इज नोन एज, दिस डिजीज इज नोन एज पर प्यूरा डिजीज। क्लियर? पर प्यूरा डिजीज है रही है। पर प्यूरा डिजीज, क्लियर? अरे बोलो भाई, सबको याद समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। आगे बढ़ू, आगे बढ़ू? यस सर। जेल हो गया? हाँ सर। नेक्स्ट इसका फंक्शन लिखिएगा, इसका प्लेटलेट का, जो आपके ब्लड के लेयर होता है, जो ब्लड के वाल होता है, क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम बोलते हैं क्या? यस और नो? ब्लड के वाल को क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम बोलते हैं, तो उनका रिपेयरिंग कौन करेगा, तो थ्रोम्बोसाइट करेगा। क्लियर है क्या? रिपेयर एंडोथेलियम, रिपेयर एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम, यस और नो? ब्लड वास्कुलर सिस्टम, यस और नो? बाय फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग, प्लग मतलब वो एक्युमुलेशन करता है। क्लियर है? तो मतलब ये हुआ कि जैसे जिलेटिनस सब्सटेंस होता है ना, कि किसी भी पार्ट में चिपकने की प्रॉपर्टी होती है,
वैसे इसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, तो उन वाल्व पे चिपक करके उसको रिपेयरिंग में हेल्प करेगा अगर वो एंडोथेलियम ब्लड वास्कुलर सिस्टम के ब्लड वेसल्स के अगर वाल्व डैमेज हो जाए तो। क्लियर है? एक और काम करता है ये, इट सिंथेसाइज थ्रोम्बोप्लास्टिन। नाम तो सुना होगा आपने इसका, ये सुन लो, थ्रोम्बोप्लास्टिन विच हेल्प इन, अरे बोलो, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। क्लियर टू एवरीवन? यस स्टूडेंट, समझ में आ रहा है क्या? यस, विच हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। इट ऑल्सो, लास्ट पॉइंट ऑफ द क्लास, दैट इट ऑल्सो सिंथेसाइज सेरोटोनिन। सेरोटोनिन, इसका दूसरा नाम पता है क्या होता है? 5-hydroxytryptamine। यहां तक सबको समझ में आया क्या? बोलो।